तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हीमेटोलॉजी में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि सामने ये देख रहे हो आप लोग, ये सारे हीमेटोलॉजी के कंट्रोल है और हीमेटोलॉजी में आता है तीन कंट्रोल, नॉर्मल लेवल, हाई लेवल और लो लेवल करके। ये देख सकते हैं ये लो लेवल है, इसके पहले वाला आपको ये नॉर्मल लेवल है, इसके पहले आपको लो और हाई लेवल दिखाया था। इसके ऊपर आपको एक्सपायरी डेट भी देखने को मिल जाता है कि कब तक हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जब हमको कंट्रोल यूज करना होता है उसके पहले ये फ्रिज में स्टोरेज करते हैं इसको, जो कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमेशा स्टोरेज करते हैं। जब हमको रन करना होता है तब हम इसको बाहर निकालते हैं फ्रिज से, और बाहर निकालने के बाद से इसको हम 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर इसको हम रखते हैं। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद से फिर इसको हम परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए पहले इस सैम्पल को, ये कंट्रोल के सैम्पल को निकाल कर हम बाहर रखते हैं, फिर आपको मशीन पे दिखाता हूँ कैसे मशीन पे हमको परफॉर्म करना होता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, अभी सैम्पल को हम निकाल के यहाँ पर बाहर रख दिए 15 मिनट के लिए। तब तक चलिए मेरे पास जो मशीन है वो दिखाता हूँ। मेरे पास देख सकते हैं होरिबा कंपनी का 5 पार्ट इंस्ट्रूमेंट है, देख सकते हैं 5 पार्ट मैनुअल और ऑटो दोनों यहाँ पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये होरिबा कंपनी है। तो चलिए पहले इसको हम चालू कर लेते हैं। ये हमारा मेन स्क्रीन आ गया है और यहाँ पे हमको परफॉर्म करना है कि कंट्रोल हम कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमको मैनुअल रन करना है, और कोई भी कंट्रोल हो हम उसको मैनुअल मोड पे ही हमको रन करना होता है। ऑटो मोड पे कभी भी नहीं रन करना चाहिए, खासकर हीमेटोलॉजी में। यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे सारे डाटा दिया होता है कि डेली आप कौन कौन से कंट्रोल रन करते हो, उसका डाटा सारा पास है कि फेल है सब दिखाता है। ठीक, तो अभी बेसिकली जैसे ही 15 मिनट हो जाएगा तो होने के बाद से कंट्रोल कैसे हमको रन करना होता है, ये टेक्निक आपको बताता हूँ, क्योंकि NAVL की गाइडलाइन के थ्रू हमको रन करना होता है। उसकी गाइडलाइन क्या है आप यहाँ से ध्यान से देखना। ठीक, तो सबसे पहले मैनुअल मोड का यहाँ पे ऑप्शन होता है हैंड का, वहाँ पे क्लिक करते हैं और करने के बाद से बार कोड स्कैन करते हैं कंट्रोल का, क्योंकि मशीन को बार कोड जब हम रन स्कैन करेंगे वहाँ पे तो उसको पता चल जाएगा कि हम कौन से लेवल का कंट्रोल यहाँ पे रन कर रहे हैं, जो कि पहले से फीड किया हुआ रहता है। तो चलिए हम इसको स्कैन कर लेंगे स्कैनर की सहायता से। अब हम उसको कैसे रन करेंगे, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कभी भी कंट्रोल रन करने के लिए, क्योंकि उस सैंपल को हम मिक्स कैसे करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कैसे हम मिक्स करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और 8 से 10 टाइम, 8 से 10 बार ऐसे आराम आराम से उसको हम मिक्स करेंगे सैंपल को, कि प्रॉपर वो मिक्स हो जाए। अगर प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो कंट्रोल हमारा आउट हो जाता है। तो प्रॉपर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद से फिर हम उसको रनिंग के लिए सिंगल मोड पे यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद से ओके कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कुछ भी करना नहीं होता, बहुत ही आसानी से आप लोग भी कर सकते हो इसको। ठीक, उसके बाद इसको रिपोर्ट कैसे हम रीड करते हैं ये दिखाता हूँ। जैसे देखिए रन होने के बाद से ये नॉर्मल लेवल का रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है, और कैसे इसको हम रीड करेंगे, तो इसमें देखिए ये सारे पैरामीटर्स दिया हुआ होता है मशीन के अंदर से। ठीक, और साइड में वहाँ पर रेफरेंस रेंज भी ये दिया हुआ होता है कि इसके अगर अंदर जो भी वैल्यू आता है तो मतलब कंट्रोल हमारा ओके है। उसके अलावा भी एक और तरीका है कि आप देख सकते हैं किसी वैल्यू के अंदर फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं आया है, मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब कंट्रोल सारा ओके है, यानी कि मीन के अंदर सारा का सारा सेट है। तो इसका मतलब ये होता है कि आज का कंट्रोल हमारा पास है, और जो भी टेस्ट आज हम परफॉर्म करेंगे, जो भी CBC हम टेस्ट रन करेंगे, सबका जो भी रिजल्ट आएगा सारा परफेक्टली ओके आएगा, और उसमें कोई भी एरर या डाउट नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल हमारा ओके है तो मशीन हमारा सारा कन्फर्म रिपोर्ट दे रहा है। विदाउट मशीन कंट्रोल का हम ये बता ही नहीं सकते कि हमारा मशीन आज का जो रिपोर्ट दे रहा है वो सही है कि नहीं है, कैसे हम पता करेंगे, तो ये कंट्रोल से पता चलता है कि कंट्रोल अगर ओके है तो वैल्यू जो भी आएगा CBC का, जिस भी पेशेंट का हो, वो सारा करेक्ट होता है। तो इस तरह से हमको कंट्रोल रन करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई लेवल और लो लेवल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना।